आइए देखते हैं क्राइम से खबरें। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के दरवाजे में साड़ी फंसने से प्लेटफॉर्म पर घिसटती गई महिला। 40 वर्षीय गीता अपनी बेटी मेट्रो ट्रेन में नवाजा से मोती नगर जाने के लिए चढ़े थे। जब मेट्रो मोती नगर मेट्रो स्टेशन पर पहुंची, तब गीता और उसकी बेटी उतरे, लेकिन गीता की साड़ी मेट्रो ट्रेन के कोच में फंस गई और ट्रेन चलने लगी। मेट्रो ट्रेन चलते ही गीता संभल नहीं सकी, वही प्लेटफॉर्म पर गिर आई और घसीटने लगी, जिसकी वजह से गीता को सिर में काफी चोट आई है। महिला के पति जगदीश प्रसाद ने बताया कि ट्रेन रोकने के लिए किसी यात्री ने आपातकालीन बटन दबाया, जब जाकर ट्रेन रुकी और गीता की जान बच पाई। बाप ने किया था नाबालिग बेटी से बलात्कार। DCW ने पीड़िता को दिलवाया 11 लाख का मुआवजा। सौतेले पिता द्वारा नाबालिग लड़की के बलात्कार में पॉक्सो कोर्ट ने पीड़िता को 11 लाख मुआवजे का देने का फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली महिला आयोग ने 11 वर्षीय पीड़िता के पुनर्वास के लिए अधिकतम मुआवजे की मांग की थी। लड़की का सौतेले पिता ने 1.5 साल से ज्यादा समय तक यौन शोषण किया। दोषी को 20 साल की जेल और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। बलात्कार की वजह से वह गर्भवती भी हो चुकी थी, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। जुर्माने की राशि पीड़िता को दे दी जाएगी। लंबे समय तक झेली गई मानसिक और शारीरिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली महिला आयोग के बलात्कार पीड़िता सहायक केंद्र की वकील लड़की के लिए उचित मुआवजा दिलाया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए